डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक पढ़े थे ना, तो उसमें आपने ज़रा गौर करें। हमने कुछ 11 तक किया था, तो हमने आपने होपफुली आपने भी उसको थोड़ा रिवाइज़ किया होगा। मैंने कुछ वीडियोस वगैरह भी भेजी थी, यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, पिक्चर भी भेजी थी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी कुछ मैं 13 ज़रा देखें, 4.2 का मैंने कहा मैं अभी इसका अब ज़रा देखें यहाँ आपके पास क्या है। गिवन दैट में 5x - 1/5x = 6, और आपने क्या फाइंड आउट करना है 125x³ - 1/125x³। अब ज़रा आप ज़रा गौर से देखें इसको, आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें, लेट आप लेट यहाँ लिख सकते हैं, लेट गिवन दैट आपके पास जो है ना, लेट गिवन दैट इक्वेशन नंबर 1 टेकिंग क्यूब बोथ साइड, क्योंकि यहाँ आप ज़रा गौर से देखें एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, आपको यहाँ क्यूब लेना होगा। अब क्यूब ले लें, क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, क्यूब का फॉर्मूला है a³ + (a³ - b³) = -3ab (a-b)। ये देखें, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू होल का क्यूब, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब -3 × (1st value, 2nd value) × (1st - 2nd). तो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, सेकंड वैल्यू का क्यूब -3 × (1st value, 2nd value) × (1st value) - 2nd value। देखें, आपको मैंने वैसे एज इट इज फॉर्मूला ओपन किया, 5x से 5 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये देखें क्रॉस हो गया, बाकी 1 बच गया। 5x - 1/5x की वैल्यू कितनी होती है 6, यहाँ गिवन था 6 × 3 = 18 इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये वाली वैल्यू 234 इज योर आंसर। बट देखिए यहाँ 5x का क्यूब का फॉर्म ओपन कर, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन 13 था। तो 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जी, आपके पास 14 था, 14 में फैक्टराइज करना है, उन्होंने कहा कि फैक्टराइज करें x³ - y³। तो सिंपल, आपने इसी फार्मूला को ओपन कर देना है। ये फार्मूला आपने प्रीवियस फार्मूला भी आपने गौर किया होगा, मैंने पढ़ाया भी था, a² + (a²) + (ab) + (b²). आप जरा गौर से देखें ये वाला फार्मूला पढ़ा भी होगा आपने प्रीवियस फार्मूला में, आपने a² + (ab) + (b²) यानी कि x³ - y³ के फॉर्म में है, x² × (x²) + (xy) + (y²). यहाँ देखें x² इधर भी है, इधर भी है, आप उसे कॉमन ले लें, दोनों सेम है, कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा। ये तो वैल्यू एज इट इज़ इधर आ जाएगी, ये देखें ये एज इट इज़ इधर आ गई, ये इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज आपने कॉमन ले ली हैं, दैट्स योर आंसर। अब उसने कहा कि फैक्टराइज, आपने इसके कस्टमर जो है 14 का जो सेकंड पार्ट है फैक्टराइज करना है जी, तो x (8x³) - 1/27y³। आप इसको लिख सकते हैं 2x³, यहाँ 1/3y³, 3³ = 27 होता है, y³ होता है, 2³ = 8 होता है, x³। अब फॉर्मूला ओपन करें, a³ - b³ = (a-b)(a²) + (ab) + (b²), क्योंकि ये क्यूब है, तो आप जरा गौर से देखें, ये a आ गया, ये b आ गया, फॉर्म में a आ गया, ये a और यहाँ b का स्केयर आ गया। आपने इसको ओपन कर दिया, तो यहाँ देखें ये a² - 2nd² + 1/2 ² 2x² + 4x² होता है 2x/3y (1/9y²), दैट्स यू। ये देखें ये इसका आंसर है जी, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें 15 को आपने इस तरह करना है जी, आप देखें ज़रा सिंपल, आपने इसको क्लोज करना है, आप समराइज करना है, x³ - y³, आप गौर से देखें यहाँ आगे x³ + (x³) + (y³) + (y³) + 6। आप ना इसको ऐसे करें, अब a - b, आपने पढ़ा होगा फार्मूला a² + (ab) + (b²) = (a³ - b³). अब ये देखें यहाँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वही फार्मूला भी है, तो देखें अगर आप इसको ले लें, ये a है, तो यहाँ ये b ले लें, तो यहाँ देखें हमने उसको देखें, ये x³ है, हम लिख सकते हैं x³ का स्केयर लिखा जा सकता है, क्यूब का स्केयर, और यहाँ देखें आगे पास है, ये तो एज इट इज़ लिख लिया मैंने, इसको x³, यहाँ y³, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ y³ का स्केयर, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ एज इट इज़। तो अब आप क्या करेंगे, तो ये एज इट इज़ फॉर्मूला बन गया, देखें (1st value - 2nd value) (1st² + (1st × 2nd² = 2x² क्लोज करेंगे, क्यूब का क्यूब होगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट वैल्यू है, इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो ये इसका क्यूब बन जाएगा, यहाँ इसका भी क्यूब बन जाएगा, इस तरह यहाँ देखें इस वैल्यू का क्यूब इधर बन गया, तो इन का क्यूब इधर बन जाएगा, तो 3 3 9 यहाँ 3 3 9। आगे नेक्स्ट,
आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ ही है, तो आप ज़रा गौर से देखें अब इस क्वेश्चन को भी। यहाँ उसका फोर्थ पार्ट है जी, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। 2x² - 1, 2x² + 1, 4x⁴ प्लस 2x² + 1, 4x² - 2x + 1। आप ये देखें नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव से इकट्ठा कर लें। यहाँ मैंने ये देखें फर्स्ट वैल्यू वैल्यू को थर्ड के साथ मिला दिया और फोर्थ वाली वैल्यू को सेकंड के साथ मिला दिया। ये देखें मैंने इकट्ठा कर दिया इधर, इधर भी इकट्ठा कर दिया। तो आप देखें 2x² - 1, यहाँ 2x² का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है, 2x * 1 + 1 का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला बनाया था, देखें जरा, a - b * a² + ab + b² किसके इक्वल होता है, ये a² - a³ - b³। ये देखें ये a है, ये b है, ये देखें इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, तो यहाँ ये देखें इधर आ गया। सेम मैंने इसको भी एज इट इज़ किया, तो ये a, इसको a समझ लें, फर्स्ट वैल्यू मैंने सेकंड वैल्यू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड का स्क्वायर। तब क्लोज करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, क्यू का 2x² का क्यूब - 1 का क्यूब, यहाँ भी 2x² का क्यूब पॉजिटिव 1 का क्यूब। यहाँ पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव का फॉर्मूला। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 3 से मल्टीप्लाई जो 6 हो जाएगा, यहाँ भी ये 8x। अब इसको स्केयर a - b a + b, a² - b² ये सिंपल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, a² - b² * a - b a + b। जब इसको क्लोज करेंगे तो 8 का स्केयर 64 होता है, पावर पावर से मल्टीप्लाई, 6 2 से मल्टीप्लाई हो गया 12 हो गया, तो 164x^12 - 1। दिस इज अ कम्प्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1।